नाम मिला है, उसका नाम है रुखसार खाला। मुबारक हो खाला। अल्लाह का, सब कुछ ठीक से हो गया। जादू से आका की अम्मी के नाम की पर्ची भी निकाली और उन्हें सोना भी जिता दिया और जुनैद जी को चकमा देकर जफर के सारे मंसूबे खराब कर दिए। बस जल्दी से जुनैद जी आ जाए तो जो वो खत मिल जाए, फिर वो खत देखकर मैं उनकी लिखाई देखकर बस समझ जाऊंगी कि वो खत आका को जुनैद जी ने भेजा है या किसी और ने। ऐसे खत में जुनैद जी क्या लिखेंगे? सारा जी, जी मेरा यहाँ इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने जब भी आपको देखा है आप पानी से बहुत खेलती हैं, आपको पानी बहुत पसंद है क्या? सारा जी? हाँ जी। जुनैद जी, एक तो आप इतनी देर से आए हैं, मुझे इतना इंतजार करवाया, ऊपर से यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। खत लाइए, खत लाइए। जी हाँ, ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ, ये लीजिए और समझिए। बात यह है कि मैंने कभी किसी मदरसे में तालीम नहीं ली है और इसलिए मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बात आप तक पेश तो कर सकता हूँ ना, इसलिए ये और यही आता है मुझे। जुनैद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सारा जी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे चलना होगा, मैं चलता हूँ। सलाम।
इनाम जीतने वाले का ऐलान हो गया है वजीर आला जी। अब हम चलते हैं, आगे का काम आप संभाल लीजिएगा। रुकिए, वजीर आला, गरीबों को जितना दो उतना उनका लालच बढ़ता है। मैं कहूंगा कि ये सोना जो इन्हें मिला ये किसी एक कागज पर लिखवा लीजिए, नहीं तो कल को कहेंगे कि वादे से कम सोना मिला, ये तो सोना ही नहीं मिला। ऐसे इल्जाम लगाने आ जाएंगे। बेहतरीन, इस गरीब के पास ज्यादा कुछ तो नहीं पर अपनी खुददारी जरूर है जो आपके सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे आपके सस्ते तोहफे की जरूरत नहीं, आप लोग रख लीजिए इसे। अली साहब, अगर ये अपना तोहफा अपना सोना नहीं लेना चाहती तो कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? ये महल किसी की ईमानदारी की कमाई को छीन कर उसका एहसान अपने सर पर नहीं रखेगा। ये सोना आपको शहजादी ने दिया तो ये सोना आपका हुआ। मैं तो बस इतना कह रहा हूं वजीर आला कि इतना सोना देखकर किसी का भी मन डोल सकता है। मेरा ईमान इतना हल्का नहीं, ये सोना मुझे मेरी शहजादी ने तोहफे में दिया है इसलिए ठुकराऊंगी नहीं, पर आपकी तसल्ली किए बिना इसे यहां से ले जाऊंगी भी नहीं। बताइए कहां क्या लिखना है? आपको कुछ नहीं लिखना, लिखेंगे वजीर आला आपको बस दस्तखत करना। वजीर आला, इसके पहले कि इनका मन डोले दस्तखत करवा लो। सोने को रखकर इस पर दस्तखत कीजिए। आपका तो पता नहीं पर मेरे पास बहुत काम था। तसल्ली हो गई हो तो चलो जी, अब आप जा सकते। आपकी ईमानदारी पर उंगली उठाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए कमी, पर कमीने जफर से कुछ लिखवाने का और कोई तरीका नहीं। वैसे वजीरे आला, आज आपने क्या बोला है? मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था कि खत में कुछ लिखवा लीजिए। आपको तो अवाम के सामने बोलने का क्या तजुर्बा है? अली साहब, वही तो हम आपसे कह रहे थे। वही तो, ऐसे मौकों पर दिल से बोला जाता है, दिल से सुना जाता है और दिल से ही तो बातें निकलती जो दिल तक पहुंचती, और इस दिल की गुफ्तगू में एक मामूली कागज की क्या जरूरत है। गले लगी। काम हो गया। क्या? यहाँ का काम हो गया वजीर आला, अब मैं भी चलता हूँ। ऐसे वजीर आला, वाकई आज आपने बहुत अच्छा बोला।
क्या जवाब है आप? आप जाइए, आप भी आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। अब आप उमर, जिंदगी जितना परेशान करती है उतना ही हैरान भी करती है। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि आपकी सालगिरह पर गरीब बच्चों को शीर कोरमा बनाकर खिला सकूं। और देखिए ना, शाम होते होते ऊपर वाले ने मेरी ये परेशानी दूर कर दी। आप कहते थे सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप बिल्कुल ठीक कहते थे। हालात, 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 हालात! अरे प्यारी खाला, ये हुआ क्या? आज की जीत के लिए आपको बहुत 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 मुबारक हो। शुक्रिया, पर ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। खाला, ये मेहरबानी नहीं है, आपका हक है। और उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, तो आज की इस जीत के लिए ये छोटी सी खुशी तो बनती थी ना। ऊपर वाले का शुक्र है। और खाला, आप ना उस गुल्लू के अम्मी अब्बू के लिए खाना नहीं पकाएंगी आज से। उनसे दूर रहेंगी आप, आराम करेंगी और उस दौलत से विद्दी, ये काम जो मैं करती हूँ यही मेरे लिए आराम। और आज ये इतनी दौलत जो मुझे मिली है उसका क्या करना है मैंने तय कर लिया है। रही बात मुस्तफ़ा भाईजान और नाज़नीन भाभी की, तो उनके अलावा अब इस दुनिया में मेरा अपना है ही कौन। अलादीन तो मुझसे दूर चला गया, पर मेरा दूसरा बेटा गुल्लू तो यहीं है, उससे दूर कहाँ जाऊंगी मैं। खाला, जैसा आप चाहें। मैं चाहती हूं कि आप बस खुश रहें। बहुत सारी बातें होगी, अभी आपको मेरे साथ महल के बावर्ची खाने में जाना है। अरे अरे, क्यों? खाला, वो उल्लू गुल्लू आपके बेटे जैसा है और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो बेटे से ना सवाल नहीं करते। चलिए आप, चलिए ना। कसम सोने की अशर्फियों की, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी खुदा गवाह है, जमाना मेरा साथ छोड़ देगा लेकिन तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बेटी, हाँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मोटी, कहाँ? नहीं नहीं, मैं कुछ कह सकती हूँ अम्मी जान, होनी हूँ ना। आप कहे तो आपके लिए जान भी हाजिर है। ले लूँ क्या? मेरा मतलब दे दूँ क्या? दे दूँ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी जान लेके मैं कहाँ बेचती फिरूंगी। बात ये है बहू कि रुखसार को दरबार में इतना सारा सोना हासिल हुआ वो महसूल का मामला तो रफा दफा हुआ, इसलिए जो सोना मैंने तुझे हिफाजत से रखने के लिए दिया था वो मुझे लौटा दे। वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तुझे दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी मोटी? मेरा मतलब है अम्मी जान, मतलब आपके बुढ़ापे का सहारा मैं और गुल्लू नहीं। हो तो पर अम्मी जान, समझ गए, हम आपके होके भी आपके नहीं है। आपका अपना तो ये सोना है, सोना। सोचिए अगर गुल्लू को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, कितना दर्द होगा। कैसे कैसे पता चलेगी? मेरा मतलब वो थोड़ी था पगली। मतलब आपका सारा मतलब मुझे समझ में आ चुका है अम्मी जान। ये तो अच्छा है कि वक्त रहते आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि आप मेरे गुल्लू के बारे में क्या सोचती है। आपको सोना चाहिए ना, अब तो जो मर्जी आए कह लो। आप सोना गलत शख्स से मांग रही हैं।
मैं शख्स से कहा, मोहतरमा से मांग रही हूँ। मतलब अम्मी जान, आपने रुखसार चाची के लिए अपनी पूरी जिंदगी इतना कुछ किया। बेशक आज वो महल में इतना सारा सोना जीती है। बिल्कुल, तो उनका फर्ज नहीं बनता आपके लिए थोड़ा सा कुछ कर दे? बनता तो है। सोचिए सोचिए, सब सोने की अशर्फियों की ये ख्याल नाज़नीन के दिमाग में कैसे नहीं आया? वही तो अम्मी जान, थोड़े से नहीं, उस पूरे के पूरे सोने पे आपका हक है, उनका नहीं। तू तो कह रही है बहू, पर नाज़नीन ये करके दिखाएगी। अभी मैं उस सड़े तंबू, मतलब है उल्लू के अब्बू को एक कान से पकड़ के ले जाती हूँ रुखसार के पास, सारा सोना ले लेती हूँ, सोना नाज़नीन का होगा। शुक्रिया। जाइए जाइए अम्मी जान, जल्दी जाइए, पूरा सोना आपका है। हाय अल्लाह। ची 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 चचा, पहले तो कभी कभी नहा भी लेते थे, अब सिर्फ पैर धोने से काम चला लोगे? कल हमने इतनी मेहनत की, उस गुल्लू के बेवकूफ अम्मी अब्बू से खत लिखवाया, और तुम हमारे पैर दबाने की जगह हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो। लीजिए चचा, आप कहे तो आपके पैर क्या, मैं आपकी गर्दन दबा के मुसीबत को जड़ से खत्म कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो चचा, काम की बात पे आते हैं। बाकी सबके खत तो आ गए, बस शहजादी और उस जिनू का खत नहीं आया है। एक बार जिनी मिनी उस जिनू का खत लेकर आए और आका उस शहजादी की चिट्ठी लेकर आए, उसके बाद पता चल जाएगा वो दम की भरा खत किसने भेजा था। अल्लाह करे कि हमारी तरकीब काम कर जाए। तुम्हारी तरकीब? बिल्कुल, इतनी अकलमंदी की तरकीब एक अकलमंद ही सोच सकता है, तुम्हारे जैसा अकलबंद नहीं। ओ चचा, अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। अरे इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तरकीब आका की थी और उसे सोचने में मैंने मदद की थी। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, तुम हमारी तरह बात करो, आराम और तरीके से, बल्कि कुछ देर के लिए चुप ही रहो, उस उल्लू गुल्लू और उसकी बीवी से कुछ लफ्ज लिखाने के अलावा तुमने और किया ही क्या है? ओ चचा, तुम्हारे इन बेकार सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जवाब दोगे कैसे, जब जवाब होंगे तब दोगे ना, बेकारी की मिसाल। ठीक है, चीनी मिनी को आने दो, वही फैसला करेगी उस धमकी भरे खत को भेजने वाले को ढूंढने में हम दोनों में से सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है। अच्छी बात है। पर चीनी मिनी है कहां? तो उसे जाता है जो खो गया होता है। आप तो महफूज हैं मेरे दिल में, एक फूल हाथ में दूसरा फूल साथ में, पहले पानी किसे दूं, उलझाऊं इसी बात में। ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूं, ये लीजिए और समझिए। आका को वो धमकी भरा खत किसने लिखा वो जानने के लिए जुनैद जी से ये खत लिखवाना बहुत जरूरी था, पर आका की जिन होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए था, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि जिनों को बुरा लग रहा है। हो गया है मुझे, भाईजान, भाईजान से बात करती हूँ।
भाईजान नहीं आका। उफ, क्या हो गया है मुझे। जिस इंसान ने ईमानदारी से अब तक अपना महसूल अदा किया हो, आज हमारी शहजादी यास्मीन उस खुशनसीब शख्स को आप सभी के सामने दो बोरी सोने की अदा करें। तो जिसे इनाम मिला है उसका नाम है रुखसार खाला। हमें हार से सख्त नफरत है, हमें हार से सख्त नफरत है। हमारे हाथ लगने वाला सोना एक झटके में हमारे हाथ से निकल गया। सब तुम्हारी वजह से चिराग के जिन, तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो ये नौबत नहीं आती, नहीं आती। शायद तुम हमारे छोटे भाई का किरदार निभाते निभाते वाकई में अपने आप को हमारा बिगड़ा हुआ छोटा भाई समझने लग गए, लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। तुम शायद भूल गए, हम हमारा नुकसान करने वाले को कभी नहीं बख्शते।